ऑलराइट गाइस, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल डाइवोर्स के बारे में। बहुत सारे लोगों को ना डाउट के बारे में बहुत डाउट होते हैं, पता नहीं क्यों समझ नहीं आती यार छोटी छोटी, तो सोचा कि एक वीडियो बना ही देते हैं, 100 सुनार की एक लोहार की। तो देखो सबसे पहले क्या था, पहले ना म्यूचुअल डाइवोर्स होता नहीं था, पहले कंटेस्टेड का ही प्रोविजन, फिर पार्लियामेंट ने प्रोविजन की हिंदू मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट किया, फिर उन्होंने 13 भी ऐड कर। उसमें क्या बोलता है देखो, अब समझो बिल्कुल सरल शब्दों में समझो, वो कहता है कि तुम सब कुछ करके आओ, यानी कि तुम बाहर बैठो एक टेबल पे बैठो हस्बैंड वाइफ, और आपस में जो भी तुम्हारी कंडीशन है म्यूचुअल वो करके आओ और हमारे पास पेटिशन लगाओ, हम आपको डिक्री दे देंगे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल फ्री में आपको डिक्री दे देंगे, कोई दिक्कत, यानी कि फ्री ऑफ माइंड फ्री कंसेंट, तुमसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस तुम्हें वो कंडीशन देखनी है वो लीगल है या नहीं है, अगर वो लीगल है तो हम तुम्हें डाइवोर्स दे देंगे, ये प्रोविजन। अब जनरली क्या होता है, वाइफों को समझ नहीं आता कि यार वो मेरा ये नहीं दे रहा, मेरा वो नहीं दे रहा। अरे भाई तुम म्यूचुअल का मतलब समझो, म्यूचुअल का मतलब वो है चार बातें उसकी, चार बातें तुम्हारी, तभी तो वो म्यूचुअल है। कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे बार्गेनिंग करते हैं ना, वो कहता है मान लो 250 का दूंगा, हम कहते हैं भाई 200 का देंगे, तो वो अपने 250 पे अड़ा है, हम अपने 200 पे अड़े हैं, तो म्यूचुअल नहीं आएगा ना। अब मान लो वो कहता है ना तेरे ना मेरे भाई 220 रुपये ले ले, तो वो आ गया ना म्यूचुअल, उसको बोलते हैं म्यूचुअल। अब मान लो हस्बैंड की चार कंडीशन है, वाइफ की भी चार कंडीशन है, वो कह रहा है मैं 10 लाख दूंगा, वो कह रही है मैं 15 लाख लूंगी, तो अड़ गया अब ये, ठीक है ये गरारी अड़ गई। अब तुम्हें क्या करना है, वो म्यूचुअल करवाना है। म्यूचुअल का मतलब ये होता है, मान लो वो भी कह रहा है कि चल 12 ले ले निकल, अब वाइफ भी कह रही है चल यार 15 तो मिल नहीं रहे 12 ले ले, तो फिर आता है म्यूचुअल, वो होता है। अब ये नहीं कि चार कंडीशन तुम्हारी जो है वही लिखी जाएगी, ऐसा नहीं होता, वो बार्गेनिंग करना पड़ता है बारी। फिर क्या होता है, पेटिशन लगानी पड़ती है कोर्ट में, फिर कोर्ट एक डेट देता है, एक डेट कि तुम इतने दिन बाद आना और हम तुम्हें हियर। फिर मान लो वाइफ ने भी लिख दी कंडीशन, तो वो जाते, तो जज साहब वाइफ से पूछ, जज साहब वाइफ से कि बताओ जो इसमें कंडीशन लिखी है आपकी कंसेंट से है या नहीं। अगर मान लो वाइफ ने बोल दिया हाँ मेरी कंडीशन, तो आगे का प्रोसीजर फॉलो होगा, डिग्री विग्री पास करी जाएगी जो भी होगा। अगर मान लो वाइफ कहती है भाई साहब ये जो जो कंडीशन लिखवाई है ना ये मेरी फ्री कंसेंट से नहीं है, फ्री कंसेंट वो होती है जैसे कि मान लो बिना दबाव, एक होता है कंसेंट एक होता है फ्री कंसेंट, कंसेंट कोई भी ले लेगा लेकिन फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, यानी कि वो डरा के नहीं होनी चाहिए, धमका के नहीं होनी चाहिए, ये सब नहीं होना। तो वो वाइफ से पूछता है कि आप मतलब आपने पढ़ रखा है ना ये, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना मतलब डिप्रेशन में डलवा के लिखवा देते हैं भाई ये लिखने ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर मान लो उसने जज के सामने बोल दिया कि जज साहब ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ है और इन्होंने जबरदस्ती करी है, तो जज उस पेटिशन को वहीं फेंक देगा, मतलब उसको डिसमिस कर देगा, भाई तुम अच्छे से करके आओ तब आओ, कल को तुम उसकी नौकरी को वो डालोगे खत्म। तो ये होता है। फिर क्या होता है, जनरली क्या होता है 6 महीने का टाइम मिलता है, लेकिन अब क्या है वेवर एप्लीकेशन नाम की एक चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई है, तो वेवर एप्लीकेशन लगा देते हैं। हालांकि कोर्ट के पास भी डिस्क्रिशन है इस चीज़, जब कोर्ट को पता ही है जब म्यूचुअल है, म्यूचुअल में क्या ही 6 महीने दे रहे हैं, वो तो उनको देते हैं ना जिनका भी जिनका थोड़ा बहुत चांस होता है मतलब रिश्ता बचने का, उनको दिया जाता है। जब खुद ही वो म्यूचुअल आ रहे हैं, वो कहते हैं ना जब मियां बीबी हो राजी तो क्या करेगा काजी, जब दोनों पार्टी राजी है तो जज को क्या दिक्कत है। तो वेवर एप्लीकेशन तब लगाते हैं जो 6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है, हालांकि हर स्टेट में नहीं है, पर अगर दिया जाता है तो उसको वेव कराना, वेविंग का खुद का मतलब होता है उसको कम कराना, मतलब वेवर मतलब छोड़ देना, वो टाइम पीरियड छोड़ देना, कम कर दो, कूलिंग क्या बोलते हैं उसको, वेव करना यानी कि कम। तो ये होता है। और एग्रीमेंट में आप जो कंडीशन होती है वो लीगल लिखवाते, लीगल मतलब जो वैलिड है लॉ की नजरों में, जैसे कि तुम्हें फिक्स एलिमोनी दिया जाए, हस्बैंड भी राजी हाँ भाई एलिमोनी दे देंगे ले ले, या फिर मतलब तुम्हारी चॉइस होती है बच्चा किसके पास रहेगा, ये सब कंडीशन होती है, कंडीशन मतलब वैलिड वाली। अब ये नहीं है कि कंडीशन लिखवा ली कि तू फ्यूचर में किसी से शादी नहीं करेगी, ये तो इनवैलिड है ना ये चीज़, यानी कि वॉइड है। तो जो कंडीशन होती है वो भी वैलिड वाली। सारे लोगों को डाउट था, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो ओके बाय।